Blossomly people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, today I decided to vlog as a few of you were asking me to make more of like vlogs. So I thought, okay, today I'll vlog this day. And why today? Because aaj ka din thode se zyada special hai, because my husband is coming. He is coming after 2 months. Like, I'll be seeing him after 2 months. So he finally got the chutti. So yeah, that's why I thought that I'll vlog today's day and I'll take you guys along with me wherever I'll go and whatever I'll do. I just got up, so as you can see, mere baalon mein abhi bhi tail hai and my face look like a potato. Never mind. So yeah, so let me know if you guys like to watch more of such casual vlogs, because I personally love watching. Matlab ek hota hai na ki you are doing something and then you keep the phone on the side and aap apna kaam karte raho yahan pe, वो वीडियो चलता रहता है. आई लाइक वॉचिंग सच वीडियोज़, बिकॉज इन सच वीडियोज ना यू डोंट हैव टू रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट द पर्सन इज डूइंग और सेइंग, यू नो. बट आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है. ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि आई डू समथिंग विद माई हाउस. थोड़ा सा इसको ठीक कर देती हूँ, बिकॉज माई हस्बैंड, जितना मैं उसे जानती हूँ, जो कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ही इज़ लाइक दैट, यू नो, यहाँ पे ऐसा क्यों है, वहाँ पे वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रखा है, वो वैसा क्यों कर रखा है. So he's like, he just gets on my nerves at times, which is like most of the times. So that is why I'm thinking ki I'll thoda sa settle the house. So yeah, stay tuned. Okay guys, this is how my house looks like. If you guys are wondering why I have kept the table over there, because I don't want the impressions on the carpet. That's why I kept it there. So jab bhi mehman aate hain तभी वो टेबल यहाँ आता है, अदरवाइज इट्स देयर ओनली. एंड या, इट्स लाइक द हाउस लुक्स प्रीटी रीसेंट, आई होप, एज पर माय हस्बैंड्स स्टैंडर्ड्स. ही सो फिनिकी, आई टेल यू. आई जस्ट गॉट डन विद माय वर्क एंड इट्स सो हॉट हियर इन दिल्ली. आई डोंट नो, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, मतलब बहुत गर्मी है. आई रियली नीड अ वेकेशन, आई रियली नीड टू गो टू द हिल्स, लाइक इट्स अनबेरेबल. So guys, I just took shower and मैंने माली भैया को बुलाया था, तो ही इज़ हियर. सो एक्चुअली द अदर डे आई गॉट दिस एलोवेरा प्लांट एंड आई रियली वॉन्टेड टू हैव दिस एलोवेरा प्लांट इन माई हाउस. सो आई गॉट इट एंड वो ख़राब हो गया, एक्चुअली गल गया, क्योंकि वो एक्चुअली जो बंदे जिससे मैंने खरीदा था, उन्होंने ना गीली मिट्टी में, लाल मिट्टी में उसको प्लांट करके मुझे दिया था. एंड आई वॉज रीडिंग द अदर डे अबाउट एलोवेरा प्लांट्स. तो आपको उसे जिस भी मिट्टी में, बेसिकली आपको उसको सूखी मिट्टी में ही प्लांट करना होता है. मेक श्योर कि वो मिट्टी ऐसी ना हो जो पानी को होल्ड करके रखे, बिकॉज दैट प्लांट डजंट नीड अ लॉट ऑफ वाटर. सो अब मुझे पता नहीं था और मैंने क्या कहते हैं, जो उन्होंने जैसे भी मुझे प्लांट करके दिया, मैंने वो लेके आगे मैंने रख दिया. एंड आई थिंक एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉइल, एंड मैंने एक बार पानी भी डाल दिया था उसमें. तो कहते हैं कि आप हफ्ते में एक बार पानी डालो, एंड वो भी अगर लगे कि सॉइल बहुत ड्राई है तभी, या तो फिर अगर नहीं भी डालते तो इट्स ओके. बट देन एक बार मैंने पानी भी डाल दिया एंड वो सॉइल की वजह से भी, बिकॉज एज आई सेड कि लाल मिट्टी पानी को काफ़ी अच्छे से पकड़ के रोक के रखती है वो, ताकि वो पेड़ों में मॉइस्चर रहे. तो एंड एलोवेरा प्लांट में मॉइस्चर चाहिए नहीं होता, तो ख़राब हो गया. एंड आई फील रियली बैड. एंड सो दैट्स वाई मैंने जो माली भैया हैं हमारी सोसाइटी के, मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ आइए और ना अगर एक एलोवेरा प्लांट भी ले आना और अपने हिसाब से जितने भी आपको नॉलेज है आप उस हिसाब से प्लांट कर देना, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, टू बी ऑनेस्ट. एंड आजकल मैंने एक कि मेरा नया शौक है टू हैव प्लांट्स इन माई हाउस, एंड स्पेशली आई वुड से इंडोर प्लांट्स. एक तो इट प्योरीफाइज द एयर,
inside your house, and then secondly वो बहुत सुंदर लगता है, मतलब it add ons to the beauty and बहुत सस्ता investment है अगर आपको घर में, मतलब अगर आप एक दो plant इधर उधर रख दें तो it, the house looks very pretty and fresh. Tavi, he's just doing that. Also the update is my husband called and he told me that his flight is late by 1 hour. Land to उन्हें 5 बजे तक करना था, but now he will be landing by 6 o'clock. So yeah, and I don't know what to do. I'm bored. Okay, हमारा one plant is ready. It looks so pretty. So this is my chhotu sa garden. This is how it looks. Okay, एक aloe vera plant ये लगवाया है, this one. एक ये वाला plant है aloe vera का. And then this money plant जो कि एक तो पानी में लगाते हैं, दूसरा मिट्टी में. तो ये मिट्टी वाला मनी प्लांट है जो उन्होंने अभी लगाया है. ऑल्सो यहाँ पर एक लकड़ी से उसे बांध रखा है, सो दैट बिकॉज इसकी जो बेल होती है, सो इट नीड्स सपोर्ट, दिस प्लांट नीड्स सपोर्ट. नाउ आई प्लेस दिस प्लांट ओवर हियर. ओके, एक मिनट, जहाँ मैंने पहले रखा हुआ था, सो आई प्लेस इट हियर. The good part about these indoor plants are ना ज़्यादा पानी चाहिए होता है इन्हें और ना ही धूप, so एक तरीके से low maintenance है. So I'll place it here. And this plant I'm thinking where to keep. I think I'll keep it here for now. बाद में देखेंगे कहाँ रखना है, अभी के लिए इसको हम यहाँ रख देते हैं. All right, my husband just called and he told me that flight is delayed for another 6 hours. So पहले 1 घंटे के लिए डिले थी, now it's 6 hours and I don't know what to do because I can't do anything. And पहले 5 बजे लैंडिंग थी, अब 11 बजे लैंडिंग हो गई है. एंड आई हैड प्लान्स, लाइक आई थॉट कि हम लोग वापस घर आके वील कीप द स्टफ़ ओवर हियर एंड देन वील क्विकली चेंज एंड लीव फॉर सम नाइस रेस्टोरेंट, वहाँ जाके अच्छा सा डिनर करेंगे. एंड सारे प्लान पे भी तो पानी फिर गया. एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ. वरुण ने मुझे बोला था, वरुण माई हस्बैंड, ही सेड दैट यू ही टोल्ड मी, उसने कहा था मुझे कि मुझे केक खाना है, वो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ. और मैंने ज़िंदगी में आज तक केक बेक नहीं किया है. सो मैंने यूट्यूब पे एक रेसिपी देखी एंड आई थॉट दैट इफ आई हैव टाइम सो व्हाई नॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. सो आई एम गोइंग टू द मार्केट टू गेट द स्टफ. लिस्ट इज विद मी, लेट्स गो. Guys, I'm done shopping now. I'm going back home. So here I have all the ingredients what I need for the cake. Maida, this is the corn flour, then the baking soda, this is the cocoa powder, milk, sugar, this is the better refined, the bura kya bolte hain sugar, that is that, and this is the lemon. And yeah, making my cake in this. Okay, not even a minute in the kitchen, I'm sweating like a pig. So yeah, that will happen. ये है गर्मी का कमाल. Well, the thing is, मैं अपने जो videos है, अपने videos मैं अपने phone पर बनाती हूँ, तो जो रेसिपी है वो भी फ़ोन पे है, यूट्यूब पे. सो इसलिए मैं फिल्म नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई टू शूट सम बिट्स हियर एंड देन एंड आई विल पुट इट इन द वीडियो. ओके, देयर इज अ बबल, इट्स नॉट गुड, बबल इज नॉट गुड. आई एम बेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रोबेबली द लास्ट. जस्ट हैव अ लुक एट द मेस. This is how my cake looks like. I don't know ये क्या मतलब, ये अच्छा है कि नहीं है, मतलब मैंने ट्राई तो किया है एंड द प्रॉब्लम इज़ ये ज़्यादा स्पंजी बना नहीं है सच, लाइक यू नो.
You know what I'm trying to say? It's like a chila. More than a cake, it's like a chila. Never mind, we'll proceed and we'll go on to the next step, which is the topping. Jo maine dekhi thi. So we'll prepare that now. Thoda thanda ho raha hai. And I'm here, I'm preparing the pudding, which I'll put on top of the cake. So isme maine milk dala hai. And मैंने corn flour डाला है and then cocoa powder and sugar. So yeah, let's see how it turns out to be. Listen, this is how my cake looks like. All you can see is the topping. नीचे base तो कुछ है ही नहीं इसका. So finally we are done, and now I'll go quickly go and change because I have to go to the airport to pick up my husband. And ये देख के तो मतलब Mr. Pathania क्या कहेंगे? I know वो बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ कहना चाहेंगे. And to be very honest, I don't have any hopes from this cake. ठीक है, मतलब ठीक है, जो भी है मेहनत है, but then बहुत ही बकवास लग रहा है मुझे देखने में. ये केक को क्या कहूँ से मुझे समझ नहीं आ रहा है. बट देन डज इट हैपन टू यू दैट यू ट्राई एनी डिश फ्रॉम यूट्यूब, लाइक यू सी इट समवेयर, आप रेसिपी पढ़ते हैं या आप यूट्यूब में देखते हैं या कभी टीवी में देखते हैं और उसको ट्राई करते हैं तो वो बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट, आई वोंट से, बट देन बिल्कुल ही उसका थर्ड ग्रेड बन के आपके सामने आ जाता है. वेल, लुकिंग एट द केक, डोंट जज माई कुकिंग स्किल्स, आई कुक क्वाइट वेल. ओके, आई एम रेडी एंड आई एम लीविंग फॉर द एयरपोर्ट नाउ. The cab is waiting downstairs, so let's go. Tell me what's up with your haircut. इतना बकवास लग रहा है ये, क्यों है ये? अब हमारे यहाँ जो बार बार आते हैं वो बार बार थोड़ी होता है, वो ऐसे बार बार आ जाते हैं. तुम बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो. नहीं है वो, नहीं, ठीक है, उसको बोलो छोटे कर दे, छोटे ही कर दे. यहाँ पे छोटी सी कुकी भी रखी थी मेरी बचा के. मैंने बोला ये क्यों रखा है तुमने? बोला सर पहले से बचा हुआ था. मैंने बोला इतनी दया मत करो आप, ये भी उठा दो. उसने वो भी काट दिया. What do you want to eat? We will order Thai green curry from Zomato. Because अभी जहाज इतना लेट आया है, हम कहीं जा नहीं सकते. जहाज, अरे मेरा देसी पति, जहाज. जहाज होता है. सामान लेके आया, उसमें से मेरे लिए क्या गया है? अगर कह दो कि समय मेरे लिए गिफ्ट रखा हुआ है, बोलो. गिफ्ट रखा है? क्या गिफ्ट लाया हो? अखरोट, चॉकलेट और क्या है? बाय. बादाम, पिस्ता. क्या बनाया तुमने ये? बेबी ये क्या है? इट्स अ केक. नो बेबी, इट इज नॉट अ केक, इट इज चॉकलेट पराठा. चलो पहली बार बकवास मत करो तुम. यू मेड इट ऑन व्हाट? ऑन दिस ओनली. आग लगा के? हाँ, ये मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब में. नहीं, रेसिपी पता नहीं तुमने क्या देखी है, बट इट इज नॉट केक, इट इज चॉकलेट पराठा. बकवास मत करो, खा लो तुम. Will you please? I don't do it like this, yeah. How does it taste? I have no idea how it tastes. It doesn't taste. You're not going to eat it? It huh? Is not cooked. Huh? It is not cooked. It is not cooked. What are you saying? इतना तो करा घुमाया मैंने. It is not cooked. तुम खाओगे नहीं? मैं को तेरे को कल से सिखाना पड़ेगा केक कैसे बनाते हैं. बकवास मत कर. आर यू नॉट गोना ईट इट? अगर मैं अपने कॉलेज में, आर यू नॉट गोना टेस्ट दिस? मैंने टेस्ट कर लिया. तुमने ऊपर का करा है, नीचे का तो करो. यम यम. ओह माय गॉड, व्हाट, कैसा है? बहुत मजा. मतलब चॉकलेट मूस कम, केक कम, पराठा कम. बट हाउ डज इट टेस्ट? दैट फॉरेस्ट सब है ये. इट इज कॉम्बो, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई नो. बट देन इट मींस ये अच्छा है. बहुत अच्छा. कितने मार्क्स दोगे तुम मुझे आउट ऑफ 10? बी ऑनेस्ट.
let's not talk about marks. Okay? I'll give you 5 for effort. You want this? I'll give you this. We just had our dinner and we ordered some food from Swiggy. And the cake, talking about the cake, it was a disaster. Like, I doubt I will ever gonna try it again. And yeah, it was a good learning experience. And talking about the day, it was long, boring day. And yeah, that's all for this video. I hope you like it. And if you want me to make more of such casual vlogs, daily vlogs, let me know. I would be more than happy to make it for you guys. And if you like this video, make sure you give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel. Press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time when I upload a video. And yeah, that's all for this video. I hope to see you until next time. Take care.